गाइस, क्या हाल है भाइयों। तो फिर से एक और नई वीडियो में स्पीक का स्वागत है। एंड गाइस, आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे इस सेट की, जिसमें हमको मिलता है एक गियर। ये कौन सा गियर है वो नहीं पता मुझे, शायद डी गियर होगा क्योंकि ड्रैगन का गियर है, या फिर जी गियर भी हो सकता है। जो भी है गाइस, ये बेलियर के ऊपर लगता है, तो उसको भी देखेंगे। एंड इसके साथ एक स्ट्रिंग लॉन्चर भी मिलता है। ये मैंने बाय किया है अमेजोन से, फेक वाला है ये, फ्लेम ब्रांड का। तो फ्लेम ब्रांड में देखते हैं भाई कैसी क्वालिटी हमको मिलती है, क्योंकि फ्लेम ब्रांड थोड़ी सी अच्छी क्वालिटी बनाने लग गया है मेटल सीरीज की, एंड शायद एक्स सीरीज की भी। तो इसका देखते हैं भाई ये कैसी क्वालिटी का। मैं पहली बार अनबॉक्स कर रहा हूँ ये वाले, शायद नहीं पहले कर चुका हूँ मैं चेन कर बेस वगैरह वगैरह, तो गैटलिंग का मैं पहली बार कर रहा हूँ। अगर इसका बायलिंक चाहिए तो मैं बायलिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। कुछ मेरे को 600 या 700 रुपए का पड़ा था, बहुत टाइम से आया हुआ है तो मेरे को याद नहीं है गाइस। तो करते हैं भाई इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं क्या कुछ मिलता है इसके अंदर। और गिव अवे का जो रिजल्ट है वो मैं कल दे दूंगा संडे को, ताकि सबको पता चल जाए। ठीक है, तो तब तक के लिए कर दो चैनल को सब्सक्राइब। ओके गाइस, तो करते हैं इसकी अनबॉक्सिंग एंड देखते हैं भाई क्या कुछ मिलता है इसके अंदर, क्योंकि इसके अंदर सब कुछ है भाई। लॉन्चर भी है, बेब्लेड भी है, और इससे बढ़िया कोई डील मिलेगी तो देख लेते हैं। आज भी मेरा कटर नहीं मिला है गाइस, उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। ठीक है, एक और साइड रह गया, इतनी टेप लगा देते ना। ओके ठीक है, अब मिलता है हमको ड्रैगन, इसको रखते हैं सबसे पहले साइड में, उसके अलावा देख लेते हैं। ओके, तो ये मिला है हमको एक लॉन्चर जो कि फेक है, देखेंगे क्वालिटी कैसी होगी इसकी। मेरे ख्याल से ठीक ही ठाक होगी भाई, इतनी भी अच्छी नहीं होगी बट ठीक कह सकते हैं इसको। देखो ज़्यादा डार्क कर दिया। हाँ देखो, एक चीज़ है जो डीबी ओरिजिनल है उनसे इसका स्प्रिंग बहुत ज़्यादा टाइट है, बट क्वालिटी भी बेकार होगी उसके साथ ही। ये देखो ये कितना लेट आते हैं, और ये देखो पलक झपकते ही वापस आ जाता है। तो क्वालिटी ऐसी है भाई, क्या पता है दो दिन चले, क्या पता है दो महीने भी चल जाए, तो इनका ऐसा ही है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं गैटलिंग के ऊपर। ये है हमारे पास गैटलिंग, कलर भी अच्छा है, सेम सा ही मिलता है भाई, रेड वाला। और स्टिकर्स हैं, हाँ स्टिकर्स हैं गाइस। ये गैटलिंग ड्रैगन है हमारे पास, बढ़िया ही लग रहा है भाई अभी तक तो फर्स्ट व्यू में, बट थोड़ा सा क्वालिटी फेक तो है ही भाई, वो तो लग रही है साफ साफ। डिस्क भी फेक है, ये तो दिख ही रहा है। एंड ये जो डिस्क है, ये जो फ्रेम है, ये बेलियल में लगेगा, इसमें नहीं है इसका कोई काम। ओके, तो ये कुछ ऐसे सेट हो जाएगा गाइस। चलो इसका लेड टेस्ट कर लेते हैं इसी बात पे। तो विनेगर में मैंने इसको डुबो दिया है, एंड अब देख लेते हैं भाई, यहाँ पे भी हो सकता है, नीचे भी हो सकता है, इसमें भी हो सकता है, तीनों में सेम ही होगा यूज। तो डिस्क पे कर लेते हैं हम। अगर ये डार्क रेड या पर्पल हो गया तो समझो कि इसमें लेड है। एंड हाँ, इसमें मेरे को लग रहा है कि लेड होगा। हाँ ओके, हमको 30 सेकंड तक करना होता है गाइस, तो कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, और आगे चले जाते हैं, कोई नहीं। तो फ्लेम ब्रांड अभी भी लेड यूज करता है। अरे चचा, क्यों लेड यूज करते हो यार? मेटल सीरीज में इन्होंने बंद कर दिए शायद लेड यूज करना अब, क्योंकि उसके जो प्रोडक्ट आते हैं उसका मेटल अलग ही होता है इनसे, बट ये वाले थोड़े से हैं भाई अभी भी। ये देखो हो गया है डार्क रेड। अभी मैं स्केल ले आता हूँ, ये देखो ये है स्केल, एंड ये कहाँ पे स्टैंड करता है, कुछ यहाँ आसपास करता है, यानी कि ये लेड डिटेक्टेड के आसपास ही है। यहाँ पे भी होता तो भी मान लेते कि ठीक है, लेकिन ये यहाँ कुछ है इसलिए हाँ भाई इसमें लेड है। ओके ठीक है, तो इसको लॉन्च करते हैं इसी के लॉन्चर से, एंड देखते हैं क्या ये लॉन्च कर पाएगा इसको। 3, 2, 1 हो जाए शुरू। ओके, लॉन्च तो कर रहा है गाइस अभी तक, तो तक करेगा वो नहीं पता बट कर रहा है अभी। गैटलिंग ड्रैगन वर्सेस जस्ट अ क्लिक।
हारने वाला है वैसे गैटलिंग, क्योंकि मैंने इसको पहले लॉन्च कर दिया लो स्टैमिना होने के बावजूद भी, लेकिन गाइस फेक है वो। एंड सिर्फ फेक नहीं है, थोड़ा सा लेड वाला भी है। तो बस सीरीज में लेड है गाइस, ठीक है। क्यों अग्रेसिव नहीं है भाई? अग्रेसिव है गाइस, लेकिन अग्रेसिव इसी को भारी पड़ गया। ये देखो भाई, इसके विंग्स खुल गए, नाइस। मैंने स्टिकर्स इस पे इसलिए लगाए क्योंकि मेरे पास कभी ओरिजिनल आया, ओरिजिनल है मेरे पास शायद, तो उस पे लगा दूंगा स्टिकर्स। इस पे तो ऐसे ही टाइम पास हो जाएगा। ओके, तो जस्ट अखिलेश जीत गया भाई। विंड नाइट से करते हैं, लेट्स सी विंड नाइट क्या कर पाता है इसके सामने। कम ऑन विंड नाइट, यू कैन विन। गैटलिंग ड्रैगन भी जीत सकता है भाई, कुछ भी हो सकता है, लेकिन फेक है तो ज्यादा कुछ उम्मीदें नहीं करेंगे। नाइस, जीत गया भाई। तो विंड नाइट जीत गया भाई, विंड नाइट जीत गया। अब करते हैं इसकी ब्रेव वैलकिरी से। ये इतना अग्रेसिव नहीं लग रहा एज ए, वैसे देखे तो नहीं, तो अग्रेसिव होते हैं ये वाले ड्राइवर। इस स्टेडियम में नहीं लग रहा ब्रेव, ब्रेव झंडे काट देगा, ब्लास्ट कर देगा ब्रेव इसको। कम ऑन ब्रेव, ब्रो शिट। एक टाइप से ब्रेव जीता है क्योंकि ब्रेव बाद में अंदर आया है, तो ब्रेव बाद में भी स्पिन कर रहा था। एक बार और करेंगे भाई, ब्रेव मस्त फेवरेट है। लेट्स सी ब्रेव तुम क्या कर पाओगे ब्रो। ब्रो इस स्टेडियम में तहलका मचता है गाइस, थोड़ा सा अग्रेसिव ही रहता है ये स्टेडियम हमेशा, एंड देख सकते हो क्यों रहता है। एंड जीत गया है ब्रेव वैल्करी। अब बारी है गिल्टी लोंगिनस से करने की, देखते हैं उससे क्या रहता भाई इसका। 3-2-1 हो जाए शुरू। ओ बेटे कम ऑन, गिल्टी को तोते से उड़ा देगा गाइस, तोते से उड़ा देगा इसकी गिल्टी। एंड द विनर इज गिल्टी लोंगिनस। एक और बेबलेट से करते हैं गाइस, स्लैश वैल्करी से। वैसे ही कर रहा हूँ, स्लैश से इतना करने का मतलब नहीं बनता, बट मुझे ऐसे ही करना था इसलिए। स्लैश भी मेरे पास फेक वाला है। ओके, तो ये तो बात पता चल गई है कि इतना भी वीक नहीं है वो कि हार जाएगा भाई। तो नाइस, अभी तक किससे हारा है ये, सॉरी किससे जीता है ये? मेरे ख्याल से किसी से नहीं जीता है, ब्रेव वैल्करी ने भी इसके झंडे से गाड़ दिए गाइस, है ना, शायद पता नहीं। जो भी है हारता है सबसे ही, बट ठीक है यार, मेरे को इतना बुरा नहीं लगा। मतलब क्वालिटी थोड़ी सी लेड है, तो 10 साल से नीचे के बच्चे प्लीज़ मत बाय करना इसको, ऊपर वाले भी एक बार के लिए सोच ही लेना, बट ठीक है 10 साल से नीचे वालों के लिए तो बिल्कुल नो है भाई, ठीक है। तो ये थी आज की वीडियो, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय गाइस।